फरियादी की शिकायत पर 6 दिन बीत जाने पर भी कराहल पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पीड़ित अब एसपी से करेगा शिकायत। खबर कराहल से है, जहां सोंधनी ग्राम के निवासी घनश्याम यादव ने बताया कि उसके गांव में रहने वाले महावीर यादव बिना किसी बात के उसे झगड़ा करने पर उतारू है, उसे गाली गलौज करता है। उसकी शिकायत फरियादी द्वारा 24 अगस्त को कराहल थाने में की गई। फरियादी का ऐसा आरोप है कि उसकी शिकायत पर राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि शिकायत करते समय तो कराहल टीआई ने मामले में सक्रियता दिखाई, मगर अब 6 दिन बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे उनके हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं और भी मुझसे झगड़ा करने पर उतारू है। मेरे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। फरियादी अब इस मामले में श्योपुर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की बात कह रहा है। घनश्याम यादव, मैं पिताजी के नाम साहब सिंह यादव सोनी का निवासी हूँ। महावीर यादव कलीराम के खिलाफ 25 तारीख को सुबह 10 बजे फोन आया और मेरे से बोला कि मैं ऐसे ऐसे ज़्यादा वो मत करे, नहीं तेरे को एक दिन मर्डर कर दूंगा, गाली गलौज, बहुत मेरी माँ बहन के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने 25 तारीख को आवेदन दे दिया। 26 तारीख को मैं पटौना से आ रहा था, रास्ते में सीधा ट्रैक्टर का प्रहार किया, मैं बाल बचा, नीचे मोटरसाइकिल उतार दी। इसके बाद मैंने 26 तारीख को आवेदन दिया, आके बोला सर ऐसी बात है, गाड़ी गई पुलिस की और उन्हें पीछा किया, वो भाग निकला। उसके बाद मैं फिर 27 तारीख को एक आदमी से कहा कि उसको तो मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। अब मैं मेरी माँ का प्रयोग सब कुछ उसने कर दिया, गाली गलौज के हिसाब से मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। नहीं, मैं सोमवार को एसपी साहब के पास जाऊँगा, जहाँ मेरे को जाना पड़े वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं मेरी आत्मा से प्रभावित हूँ। मेरे पास बार बार प्रयार किया और बहुत धमकियाँ मिल रही हैं मेरे को। मैं मेरी जो भी मेरे से होगी मैं घटना, तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरे खुद के ही ऊपर कर लूँगा। मैं गुजारिश करता हूँ अगर मेरी कार्रवाई सुने तो ठीक है। और कुछ भाजपा नेताओं की याड़ में कर रहा है, हम पुराने कार्यकर्ता 15 साल से उनके साथ दे रहे हैं, हमारी कोई गिनती नहीं है। कुछ लोग उनके जो गाड़ी में बैठते हैं उनकी भी उनको दे ध्यान है कि गाड़ी में बैठते हैं वही नेता है, बाद बाकी हमारा यहाँ कोई सम्मान नहीं है, जबकि हम सबसे पहले उनसे करीबी से जुड़े हुए हैं। मगर मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता कि हमारी मदद करें, मगर सपोर्ट भी कोई उनका नेता करे तो मेरे को ठीक नहीं लगेगा। मैं मंत्री जी से मैं मान लो मैं इस टाइम मैं खिलाफ जाऊँगा, फिर उनके कार्यकर्ता भाजपा से भी ये करता हूँ कि उसकी मदद नहीं कर रहा। मैंने सबको सूचित कर दिया कि मेरे से ऐसी घटना हो रही है, रिकॉर्डिंग भी है, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं खुद की आत्महत्या करूँगा। कुछ नेताओं के नाम लेके स्पष्ट थाने में और एसपी साहब को दूंगा। मैंने उनको देखा, ट्रैक्टर पुलिस कई मौके पर छोड़ आई किसी नेता के कहने से। मैं फिर भी गुजारिश करता हूँ, मेरी सुनवाई हुआ नहीं तो अन्यथा मैं एसपी साहब को महोदय को ज्ञापन दूंगा सोमवार को जाकर। मैं खराल पुलिस को 25 तारीख को 26 को 27, 28, 29, 30 छह दिन लगातार आया हूँ। एक दिन टीआई साहब ने तुरंत संज्ञान लिया था, उसके बाद में पता नहीं है क्या हो गया, डीले पर गए बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। कुछ मैंने भी देख लिया और मेरे को सूचना मिली है तो किसी भाजपा नेता के उसने कहा कि सब कुछ करवा देंगे, चुनाव बाद सब हो जाएगा, अभी तक शांत रहो, इस मामले को ठंडा करना। मैं चुनाव तक की घोषणा नहीं करूँगा, मैं अभी चाहिए मेरे को, चुनाव आएगा तब आएगा, या तो वोटन की बात है, अगर तुम्हें जेल लेना तो किसी आदमी के संग घटना हो जाएगी, इसके बाद कौन जिम्मेदार होगा, या तो प्रशासन हो या नेता हो, मैं इसका किसी के खिलाफ नहीं, मैं खुद की खुदकुशी करना जानता हूँ। अगर फिर कोई सुनवाई नहीं हो, कोई गवाही नहीं, उसके खिलाफ कोई बोलेगा भी नहीं कि गवाह जिएगा, वो कोई नहीं देगा उसका, ऐसा क्रिमिनल आदमी है साहब। मैं बहुत प्रभावित हूँ, मेरी मानसिक स्थिति से भी मैं बहुत खुरा, मेरा मूड ख़राब है, मैं खान पीन सब छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहन के खिलाफ इस प्रकार शब्द ना अपन ने किसी से बोला और नाम सेन कर रहा हूँ, मैं खुद की खुदकुशी कर लूँगा।